नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों लोगों को डरा रहे हैं तो कभी ये मामूली राहत भी दे रहे हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 6,317 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और 6,906 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि मंगलवार को 5,326 और सोमवार को 6,563 मरीज सामने आए थे। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा के कारण समूचा उत्तर पश्चिम भारत शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, कच्छ से लेकर तेलंगाना में शीतलहर जारी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में लोगों को बुधवार सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक बेंगलुरु से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 3.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया। हालांकि अभी तक इस भूकंप में किसी प्रकार की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। भारत ने ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रतिरक्षा वाहन पर आधारित है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे प्रक्षेपित की गई मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले करीब 45 दिनों से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है और न ही दफ्तर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों उनके गले का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के 1.5 महीने से अधिक समय से दफ्तर नहीं आने पर अब महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को स्वस्थ होने तक अपना प्रभार किसी और को सौंप देना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में स्थित एक जगह को नर का द्वार कहा जाता है। ये जगह जहां पर स्थित है वहां पर एक बड़ा गड्ढा है जिसमें से लगातार आग निकल रही है। इस आग को आज तक कोई बुझा नहीं पाया है। बताया जाता है कि साल 1971 में प्राकृतिक गैस की खोज के लिए यहां पर एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन जमीन का एक हिस्सा धंस गया और यहां पर एक 130 फीट चौड़ा और 60 फीट गहरा गड्ढा बन गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को 20 YouTube चैनल और 2 न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने से जुड़े आदेश जारी किए। बताया गया था कि ये चैनल भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे। मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि इन चैनलों का इस्तेमाल कश्मीर भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, किसान आंदोलन, CA NRC, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत जैसे विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किया जा रहा था। ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 3 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो कि अमेरिका के उन विमान से देहरादून, विकास नगर और ऋषिकेश पहुंचे हैं, जिसमें कई ओमिक्रॉन संक्रमित यात्रियों ने सफर किया। फिलहाल ऐसे युवकों को चिन्हित करने के साथ ही उनके सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। रणवीर सिंह की फिल्म 83 का पहला लुक आते ही लोगों में काफी उत्साह बढ़ गया था। ये फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म रिलीज से पहले फिल्म निर्माताओं और प्रशंसकों के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। इस फिल्म को रिलीज से पहले ही लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। अब देश की राजधानी दिल्ली में 83 को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। मजबूत वैश्विक संकेतों से सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 449.23 अंकों की बढ़त के साथ 56,768.24 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 134.95 अंकों की तेजी के साथ 16,905.80 के स्तर पर खुला। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।